हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल, देखते रहो। और आज का जो मेरा वीडियो है वो पहला T20 जो कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया ब्रिस्बेन में, और जो सूरत हाल सामने हमें नजर आई, जरा सा उस पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि ये मैच जो है ताखिर का शिकार था, क्योंकि ब्रिस्बेन के अंदर जो है वो बारिश हो रही थी, बड़ी काली घटाएं आई हुई थी, और यूँ हुआ था पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1 बजे इस मैच को शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पहले तो काली घटाएं आ गईं, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई, बारिश का सिलसिला सब थमा, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3:30 बजे जो है वो मैच शुरू हुआ। अब जब 3:30 बजे उन्होंने मैच शुरू किया तो 7 ओवर्स का ये गेम रखा गया, और उसमें जो है आपको अपनी पूरी परफॉर्मेंस देनी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम हमारी हमेशा शॉर्ट गेम्स नहीं खेल पाती है, पैनिक हो जाती है, परेशान हो जाती है, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रही होती है। इसके हवाले से मैं बात करूंगी। आप सब जानते हैं कि आज का पहला T20 जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्रा 7 ओवर्स पर 4 विकेटों के नुकसान पर 93 रन बनाए, और इसमें जो कामयाबी का जो एक कहते हैं ना सहरा किसके सर डाला जाए, तो ग्लेन मैक्सवेल हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खेला और 19 गेंदों पर 43 रन बनाए और नाकाबिले शिकस्त रहे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी में ग्लेन मैक्सवेल का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये जो T20 हुआ आज पहला मैच इसका हुआ, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर जो खिलाड़ी थे वो मौजूद नहीं थे। इसके हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन बहरहाल हमारी जो बैटिंग लाइन थी वो बड़ी कमज़ोर रही, और हमारे खिलाड़ी जो है ना वो रेत की दीवार की तरह ढेर हो गए, क्योंकि प्रेशर तो आप लोग बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, आप पैनिक हो जाते हैं, आप पैनिक होने के बाद उल्टे सीधे शॉट्स खेलते हैं। जब आप पैनिक हो गए और आपने जो है खेल शुरू किया, तो उसमें क्या हुआ कि आपने ना देखा कि कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन कहाँ पे नहीं खड़ा, आपने शॉट्स मारने शुरू कर दिए। ठीक है, जिसका जो आ रहा है वो गेंद को उछाल रहा है कि बस किसी तरह से चौके लगाए, किसी तरह से छक्का लग जाए, ये जो 7 ओवर हम किसी तरह से इसको पूरा कर ले। आपके दिमाग में उस वक्त ये चीज़ें चल रही थी, आपके दिमाग में संभल के खेलना नहीं था, पैनिक हो चुके थे बुरी तरीके से कि अब हम करें तो क्या करें, हमारे पास वक्त भी नहीं है, हमें इसको जो है वो किसी तरह से कवर भी करना है, और इसी चक्कर में बहुत बुरा खेल है आप लोग। यानी इसको अगर एकतरफा मैच कहा जाए तो गलत ना होगा, अगर आप कांटे का मुकाबला करते, बराबर का मुकाबला करते तो हम ज़रूर अप्रिशिएट करते, और जब जब आप लोगों ने ये मुकाबला किया हमने ज़रूर अप्रिशिएट किया, लेकिन आप लोग तो रेत की दीवार की तरह ऐसे बह गए जैसे कहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक आसान सा उसका निवाला बन गया। बहरहाल थोड़ी सी हम स्कोर पे भी नजर डालेंगे, थोड़ी सी उसके हवाले से भी मैं बात करूंगी, आपको बताऊंगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। इसी हवाले से जब मैच हार गए तो मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से गुफ्तगु की, और गुफ्तगु करते हुए उन्होंने कहा जी बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है, हमने बड़ी बराबरी का मुकाबला किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, आपने बिल्कुल भी बराबरी का आप लोगों ने मुकाबला नहीं किया, सब लोग देख रहे थे, और इसी बात का तो अफसोस होता है, जो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते आप लोग वो काम कर देते हैं। आज लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस 0/0 रही। कैसे वो बिल्कुल मैं शेयर करूंगी, हवा में मैं बात नहीं कर रही, सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, तो वो जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में पढ़ के बताती हूँ कि वो क्या है। बहरहाल मोहम्मद रिजवान ने कहा जी हमने टॉस जीता तो हमने बॉलिंग का फैसला इसलिए किया था ताकि ऑस्ट्रेलिया को कम से कम रन तक हम महदूद रख सकें, लेकिन आप इस कोशिश में नाकाम हो गए क्योंकि आप लोग पैनिक हो गए थे, इस बात को आप बिल्कुल मानेंगे। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी हम जीतते हैं और अगर हम गलतियां करते हैं तो फिर उसके बाद जो है हम उसको क्या करते हैं, तब भी हम अपने गलतियों को देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि तो भाई रिजवान साहब, हमारी टीम में जो कमजोरियाँ आपने कही हैं ना, तो कमजोरियाँ तो बेतहाशा हैं, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करें या आप उसको एक्सेप्ट ना करें, देखने वालों को तो वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए, गलतियाँ एक्सेप्ट करने के बाद अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए तो उसमें कोई इतराज़ नहीं होता, हम कहते हैं हाँ ठीक है हमसे भी गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद इम्प्रूवमेंट आती है। हमारी टीम के साथ प्रॉब्लम ये है कि 2 मैच जीत जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट शायद हो जाते हैं कि उसके बाद वो खेलते नहीं, जबकि आपने तो मोहम्मद रिजवान साहब ड्रेसिंग रूम में बड़ा ही उनको मोटिवेट किया था, उनसे कहा था कि हमें एक तारीख रकम करनी है
और फिर से हमें आगे भी सारी चीज़ें जीतनी है, लेकिन वो तमाम बातें हवा हो गई। अब बारिश की जहाँ तक बात है, बारिश तो वो कहेंगे कि जी वो तो सारे के सारे आप लोगों के अरमान, हमारे अरमान अपने साथ ही बहा के ले गई, क्योंकि वो जो जीत का एक अरमान था वो तो पूरा नहीं हो सका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का ये पहला मैच था, ठीक है, बारिश से मुतासिर हुआ। मुतासिर इन द सेंस इस तरह से हुआ कि आपका खेल देर से शुरू हुआ, आपके ओवर्स थोड़े कम हो गए, लेकिन आपकी स्पिट तो वही रहनी चाहिए थी ना, जिस स्पिट से आप लोग गए थे। तो आप इस बात को तो मानेंगे ना कि कहीं ना कहीं आपके खिलाड़ी बदहवास हो गए थे, उनके समझ में ही नहीं आ रहा था हम करें तो क्या करें। इसी चक्कर में एक के बाद एक पवेलियन लौटते ही चले गए और आखिर में क्या हुआ, हमें हार का मुंह देखना पड़ा और 29 रन से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। तो चलिए ये तो शिकस्त हो गई। अब थोड़ी सी मैं इस पर नज़र डालना चाहूँगी कि आपके जो स्कोर्स थे वो क्या रहे, या आपका स्कोर कार्ड जो था वो क्या रहा, वो भी मैं बताऊंगी। और 29 रन के हदफ में पाकिस्तान ने उसका बड़ा ताकुब किया और मुकर्रा 7 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 64 रन्स बना सकी। तो ये तो हमारी पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी थी। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो मैचेस होते हैं वो कोई आगे की पेशन गोई नहीं कर सकते, मुझे अपने बॉलर्स पे पूरा एतमाद है। एतमाद तो है, तो ये एतमाद आज कहाँ गया था, ये जो एक ट्रस्ट आपका था वो किधर गया। टीम एक दिन अच्छा परफॉर्म करती है, दूसरे मैच में जाती है बुरा परफॉर्म करती है, यानी कोई तो मसला है ना आप लोगों के साथ। वो रूट कॉज क्या है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर लीजिए, तो शायद वो रूट कॉज आप लोगों को पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। फिर उन्होंने ये कहा कि गैरन मैक्सवेल जो है उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे अपने बॉलर्स पर पूरा यकीन है। बहरहाल ये आपका कहना है, आपका मानना है। दूसरा T20 जो है वो 16 को है, देख लेते हैं कि उसमें टीम किस तरह का परफॉर्म करती है और क्या रिजल्ट्स जो है वो सामने आते हैं। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ जरा स्कोर कार्ड की तरफ, हम उस पर भी नज़र डालेंगे और उसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान की आज जीतने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो बड़ी कम थी, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि शायद 37% इनके चांसेस थे जीतने के, और ज़्यादा जो चांसेस थे वो आपके ऑस्ट्रेलिया के जीतने के थे। अब इसमें बारिश को दोष ना दें, आप लोग प्लानिंग से खेल नहीं सके, तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा अपनी टीम को आप वो जो कहते हैं ना कि पैनिक की सिचुएशन जो होती है उसके लिए मेंटली तैयार रहें। देखिए आप हारते उसी वक्त हैं जब आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते, या मेंटली आप हार मान चुके होते हैं। तो आपकी टीम के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि आप लोगों ने खेले बगैर ही हार मान ली और आपने पहले ये डिसाइड कर लिया कि ये तो कुछ हो नहीं सकता, इसी वजह से आप लोग पैनिक हुए और आप लोगों ने शॉट इधर उधर मारे। अच्छा, अब सबसे ज्यादा सबसे पहले जो है वो साहबजादा फरहान के हवाले से मैं बताती हूँ। 4 बॉल का इन्होंने सामना किया, 8 रन बनाए जिसमें 2 चौके शामिल है। अच्छा, जब फरहान ने 2 चौके लगाए ना तो बड़ी उम्मीद बन गई थी कि अब मैच हमारे हाथ में आने वाला है, लेकिन उसके बाद ये सारी उम्मीदें दम तोड़ गई। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन है वो तशरीफ लाए, 2 बॉल पे कुछ ना कर सके और पवेलियन लौट के बगैर कुछ किया। फिर बाबर आजम आए, ये सारे कैच आउट हो रहे हैं, बाबर आजम आए ये भी कैच आउट हुए और इन्होंने 2 बॉल पे सिर्फ और सिर्फ 3 रन बनाए और ये पवेलियन लौट गए। उस्मान खान आए, ये भी कैच आउट हुए, इन्होंने जो है वो 5 बॉलों पर 4 रन बनाए जिसमें 1 चौका शामिल था। मतलब बस समझ लें कि 5 बॉल हुई, 1 चौका लगा दिया तो वो हो गया, उसके अलावा ये कुछ ना कर सके। उसके बाद सलमान आगा आ गया, ये भी कैच आउट हुए। इन्होंने क्या किया कि 2 बॉल पर इन्होंने 4 रन बनाए, यानी इन्होंने सिर्फ 1 चौका मारा। फिर आ जाते हैं इरफान खान, ये तो कमाल के निकले, 2 बॉल कुछ भी ना किया, चले गए पवेलियन लौट गया, कैच आउट हो गया। हसीबुल्ला खान आए, 8 बॉल का सामना किया, 12 रन बनाए, इन्होंने फिर थोड़ा बेहतर काम किया, इन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाया। फिर हम आ जाते हैं अब्बास आफरीदी पे, 10 बॉल्स का सामना किया और 20 रन बनाए इन्होंने और उसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था, ये भी काफी, बाकियों से तो बहुत बेहतर परफॉर्म किया। उसके बाद आते हैं शाहीन शाह आफरीदी, 6 बॉल 11 रन और उसमें 1 छक्का शामिल था। तो आप समझ जाइए कि 1 छक्का और उसमें जो बाकी बच गए वो उन्होंने रन बना दिए। फिर आपके पास आते हैं नसीम शाह तो बस मॉडलिंग ही किया, इन पे मॉडलिंग बड़ी सूट करती है क्योंकि खेल वेल में तो इनका इंटरेस्ट है नहीं,
इन्होंने एक बॉल का सामना किया और पहले ही आउट होके चले गए, बोल्ड होके चले गए। शाहीन शाफरीदी भी बोल्ड हुए और ये भी बोल्ड हुए जंपा की बॉल पर। तो ये इनकी कारकर्दगी थी जो कि इन्होंने की। अब हम आ जाते हैं, अभी ओवर्स करा रहे थे तो इनके ओवर्स पर रन कितने बने। शाहीन शाफरीदी ने 2 ओवर्स कराए, 25 रन दिए। नसीम शाह ने 2 ओवर्स कराए, 37 रन दिए। उसके बाद हारिस रऊफ आए, इन्होंने 2 ओवर कराए, 21 रन दिए। अब्बास आफरीदी आए, इन्होंने 1 ओवर कराया और 9 रन दिए। तो ये बॉलिंग की और बैटिंग की सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब ये आप खुद तय कर लीजिए कि कितना कांटेदार मुकाबला था और किस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया, किस तरह से इन्होंने खेला। बहरहाल आज का खेल तो यहीं तक का था और अब देखना ये है कि बाकी जो 2 T20 रह गए हैं उसमें होता क्या है। 16 को देख लेंगे कि 16 तारीख को ये लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हमारी पाकिस्तानी टीम में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए, क्योंकि उन्होंने कहा हम अपनी गलतियों से सीखते हैं मोहम्मद रिजवान ने। तो हम इस वक्त यही देखना चाहते हैं कि उन्होंने इस दफ़ा अपनी इस गलती से इन लोगों ने क्या सीखा है और 16 को ये अपनी स्ट्रेटजीज, अपना प्लेइंग मेथड क्या रखते हैं, अपना बॉलिंग मेथड क्या रखते हैं। इन तमाम चीज़ों का मुझे भी इंतज़ार है, आप लोग भी इंतज़ार कीजिए। लेट्स सी क्या होता है। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। शिकस्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।